बिसम रही अम वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन हेर षाकििफ़ान आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं कि जो एलेक्ट्रिशियन की जॉब होती है उनके लिए इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इधर ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन टीम ने कुछ सेवन इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं चले इन क्वेश्चन एंड आंसर को वन बाई वन देखते हैं एट ऑयल एंड गैस इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वी डील विद ऑल वर्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट देर आर बेसिकली टू टाइप रिग इलेक्ट्रीशियन एंड चीफ इलेक्ट्रिशियन किसी भी ऑयल एंड गैस रिल्ड पे एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है कि जितने भी रिग पे ऑपरेशन हो रहा है उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल जॉब इन्वॉल्व होती हैं उनकी टेक केयर करना और इस डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो इसमें दो तरह की जॉब होती हैं रिग इलेक्ट्रिशियन और चीफ इलेक्ट्रिशियन इन द वर्ल्ड मैनी पीपल वॉन्ट टू जॉइन ऑयल एंड गैस सेक्टर फॉर देर ब्राइट फ्यूचर बट दे डोंट हैव द एक्चुअल मटेरियल विच विल बी हेल्पफुल फॉर देम दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास एक्चुअल नॉलेज नहीं होता एक्चुअल उनके लिए मददगार साबित हो सके सो हेयर ऑयल एंड गैस इंफॉर्मेशन टीम अरेंज सेवन इम्पोर्टेंट इंटरव्यू आंसर क्वेश्चन फॉर द रिकलेक्ट्रिशियन जॉब एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चन यू कैन इजिली गेट सक्सेस इन द इंटरव्यू फॉर दिस जॉब सो so, इधर हमारी टीम ने कुछ सेवन इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं रिग इलेक्ट्रिशियन की, की जॉब के लिए अगर आप ये आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप किसी भी इंटरव्यू में कामयाबी हासिल कर सकते हैं चलें ये देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं देर आर फॉलोइंग सेवन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आंसर क्वेश्चन फॉर द रिग इलेक्ट्रिशियन जॉब द फर्स्ट वन इज टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस एज अ रिकलेक्ट्रिशियन द सेकेंड वन इज वट इलेक्ट्रिकल सिस्टम आर यू एक्सपीरियंस विद The third one is how do you ensure safety when working with electrical system on a ring? Number four, can you give an example of a challenging electrical issue you resolve on a ring? How you keep updated with the electrical system knowledge? Number six, describe your experience working in a team-based environment. Question number seven, how do you handle stressful situation or tight? डेड अभी आपके सामने ये सेवन क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन के हम आंसर को वन बाई वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस एस ए रिगुलेक्ट्रिशियन इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आपके जो प्रीवियस रिगुलेक्ट्रिशियन का एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत बताएं आई हैव सेवरल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एस ए ड्यूरिंग दिस टाइम आई हैव सक्सेसफुल इंस्टॉल मेनटेन एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑन various rigs, ensuring compliance with the safety standard and regulation. इस क्वेश्चन का आपने आंसर कुछ इस तरह देना है आपने बताना है कि मैंने इतने ईयर्स इलेक्ट्रिशियन का काम किया और इस टाइम के दौरान मैंने डिफरेंट रिग्स पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इंस्टॉल किया उनकी मेंटेनेंस वैर की और उनको रिपेयर किया क्वेश्चन नंबर टू व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम आर यू एक्सपीरियंस विद इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपके पास किस टाइप का इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक्सपीरियंस है आई एम वेल वर्स इन वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंक्लूडिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल सिस्टम लाइटनिंग एंड इक्विपमेंट ट्रबल शूटिंग ऑन बोथ ऑन एंड ऑफ शोर आपने इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह देना आपने बोलना है कि मेरे पास डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक्सपीरियंस है और डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम का नॉलेज है जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम लाइटिंग एंड डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ट्रबल शूटिंग और मैंने बहुत ऑनश्योर और ऑफ पे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम किया है क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डू यू इंश्योर सेफ्टी वन वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑन अ रिग इस क्वेश्चन वो कह रहा है कि जब भी आप किसी भी रिग पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम करते हैं तो आप कौन से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं आंसर नंबर थ्री सेफ्टीज अ अमाउंट आई स्ट्रिक्टली फॉलो द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन यूज अप्रीप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड कम्युनिकेट अफेक्टरी विद द टीम मेंबर्स एडिशनी आई स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपने इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह देना है आपने बोलना है जो सेफ्टी है वो रिक पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आप सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं प्रॉपर्ली आप इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं और जितने भी पी होते हैं उनको आप यूज़ करते हैं और आप अपने टीम मेबर्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं और जितने भी इंडस्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं उसके साथ आप अपडेटेड रहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ चैलेंजिंग इलेक्ट्रिकल इशू यू रिजॉल्व ऑन अ रेक इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको ये एग्जाम्पल दें जिसमें आप ये बता सकें कि आपके रिक पे कोई इलेक्ट्रिकल इशू आया हो और उसको आपने सॉल्व किया हो आंसर नंबर फोर ऑन अ प्रीवियस रिक असाइनमेंट देर अ कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन इन द कंट्रोल सिस्टम आई कंडक्टेड अ थ्रू अ आइडेंटिफाई द रूट काज एंड इम्प्लीमेंटेड अस्टमेटिक सोलूशन इंश्योरिंग मिनिमल डाउन टाइम एंड मैक्सिमम सेफ्टी इस क्वेश्चन का आपने आंसर इस तरह देना कि मेरे पुराने एक्सपीरियंस के दौरान रिक पे एक दफ़ा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम में एक फॉल्ट आया उसको मैंने प्रॉपरली एनालाइज़ किया और उसमें जो उसकी मेन रूट कास्ट थी उसको आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इस चीज़ को जेन में रखा जिससे कंपनी का डाउन टाइम मिनिमम हो और सेफ्टी मैक्सिमम हो क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डू यू कीप अपडेटेड विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम नॉलेज इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम नॉलेज होता है उसके साथ आप अपडेटेड किस तरह रहते हैं आंसर नंबर फाइव आई रेगुलरली अटेंड्स ट्रेनिंग सेशन रीड इंडस्ट्री पब्लिकेशन एंड पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल फॉरम्स कीप अप टू डेट विद द लेटेस्ट एडवांसमेंट इंश्योर आई कैन अप्लाई द मोस्ट अफेक्टिव एंड एफिशेंट सोल्यूशन टू इलेक्ट्रिकल चैलेंजेस इस क्वेश्चन का आपने आंसर कुछ इस तरह देना है कि आपने बोलना है कि जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं उनको मैं रेगुलर अटेंड करता हूँ और जितने भी इंडस्ट्रियल पब्लिकेशन होते हैं उसको मैं पढ़ता रहता हूँ और जितने भी प्रोफेशनल फॉरम होते हैं इलेक्ट्रिकल के उनमें मैं डिफरेंट फॉरम में पार्टिसिपेट करता हूँ जिससे जितना भी इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होता है उसके साथ मैं अपडेट रहता हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ टीम बेस्ड इन्वायरमेंट इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप टीम बेस्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने जब भी रिग पे काम किया उसको आप डिस्क्राइब करें आंसर नंबर सिक्स टीम वर्क इज़ द की इन द रिग ऑपरेशन आई हैव स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द वर्किंग एज ए टीम मेम्बर आई बिलीव इन ओपन कम्युनिकेशन एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पेक्टिंग ईच टीम मेम्बर एक्सपर्टीज विच रिजल्टेड अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट इस क्वेश्चन का आपने आंसर कुछ इस तरह देना है आपने बोलना है कि रेग ऑपरेशन में जो टीम वर्क होती है वो मेन की होती है और मैं भी टीम वर्क में बिलीव करता हूँ टीम वर्क का ये फ़ायदा होता है कि आप डिफरेंट टीम मेंबर्स की जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको आप यूटिलाइज करके आप एक अच्छा और मस्बत आप वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो जिससे जो कंपनीज की प्रोडक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है और आप सेफली काम कर सकते हो क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ डू यू नो क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन आर टाइट डेड लाइन्स इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि जब भी आपके ऊपर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है या कोई टाइट डेड लाइन आ जाती है तो आप उसको किस तरह हैंडल करते हो आंसर नंबर सेवन वैन फेस विद द टाइट डेड लाइन स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई प्रेफर टास्क स्टे ऑर्गेनाइज एंड मेन्टेन फोकस Clear communication with the team members ensure everyone is on the same page enabling us to meet our goals effectively इस क्वेश्चन का आपने आंसर कुछ इस तरह देना है जब भी कोई टाइट डेडलाइन आ जाती है या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है तो मैं हमेशा जो मेन टास्क होते हैं उनको प्रेफर करता हूँ और सारे काम को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करता हूँ और मेरा फोकस हमेशा ये होता है कि मैं जितने भी टास्क हैं उनको मेंटेन करूँ और अपने डिफरेंट टीम मेंबर्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रख के उनको एक पेज पे इकट्ठा करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप टीम मेबर के साथ आप अच्छी कम्युनिकेशन रखते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम होता है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है अभी देर इस वीडियो में हमने जो रेगुलेक्ट्रिशन की जॉब होती है उसके जो मेन सेवन इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन हैं जो किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसको हमने डिस्क्राइब किया है और अगर आपको आपका रेग्यूलैक्ट्रिशियन की जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम ट्राई करेंगे कि जल्द अज जल्द उसका आंसर दिया जाए वीडियो देखने का शुक्रिया अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज ऑल एंड गैस इन्फॉर्मेशन को लाइक कर दें हमारे फेसबुक पेज ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे इस चैनल पे नई वीडियोस अपलोड हो वो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएं थैंक यू अल्लाह हाफिज़